जिला गुजरात के पंजाब के 12 हसास तरीन इजला में शामिल होने के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद कोरोना वायरस के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और गुजरात के अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करते हुए नजर नहीं आते। मास्क का इस्तेमाल सिर्फ 5 से 10% अफराद कर रहे हैं, जबकि समाजी फासले की पाबंदी को मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ा दिया गया है। कोरोना की पाबंदियों पर अमल दरामद जिला गुजरात में स्कूल की बंदिश की सूरत में नजर आता है, हत्ता कि जिला गुजरात के जिन इलाकों को सील किया गया है उन इलाकों की भी इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर बंदिश न करवा सकी है। बाजारों, मार्केट्स, पब्लिक मुकामात पर जगह जगह अवाम का रश नजर आता है। जिला गुजरात में जुमा और हफ्ता के रोज दुकानें और मार्केट्स बंद नजर आती हैं, मगर इन 2 रोज के दौरान भी मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला रखने की पाबंदी पर गुजरात के अवाम अमल दरामद करते हुए नजर न आते हैं। गुजरात में माह अप्रैल में लॉकडाउन की पाबंदियाँ मजीद सख्त होने का इम्कान है। दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले ताजिरों और मैरिज हॉल्स मालिकान के खिलाफ जिला गुजरात में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जप्पा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात सुलेमान जफर ने तहसील गुजरात के शहर और देहाती इलाकों में कोरोना पाबंदियों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद होटल्स और मैरिज हॉल्स को सील कर दिया, जबकि वन डिश की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद मार्किज को लाखों रुपए जुर्माना किया गया। आकाश न्याजी, आवाज न्यूज गुजरात। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।